ताला लगा रहा है क्योंकि भाई की गाड़ी बंद हो गई है। टेंशन लो भैया, हो जाएगी, मारो मारो। हे गाइस, वेलकम टू बैक द चैनल। भाई न्यू व्लॉग शुरुआत कर रहे हैं दो दिन के बाद, क्योंकि भाई बहुत हमारे से खस्ता हालत हो चुकी है। भाई जम्मू का माल भर के बहुत गलती की है, बहुत अभी एक जगह का, क्योंकि परचून होता है ना, एक पार्टी का बीच एक दूसरी तीसरी चौथी पैंती ऐसे ऐसे ये क्या है करके लगाई। तो भाई अपना वो हो चुका है, ये वगैरह ले लिया है पर्ची, जो मतलब बाहरी की पर्ची है दो, तो एक रहती है वो गाड़ी बाहर लगाएंगे वाश करा के, उसके बाद हम आएंगे उसको फोन करेंगे, नंबर लिया हुआ है। तो राजा भाई बीमार हो चुके हैं, बहुत बहुत बुरी हालत है भाई। Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो guys, मैं भी अपना इंट्रो दे ही देता हूँ भाई। तो guys, अपनी गाड़ी हो चुकी है फाइनली अनलोड भाई, जेब से सारा कुछ लगाया भाई। देखो यहाँ 2 रुपए पेटी ले रहे थे, लेकिन हमने भाई जेब से लगाया 4 रुपए थी, क्या करे भाई। तो अभी गाड़ी अनलोड कर ली भाई, और यहाँ से निकल रहे सीधा नरवाल के लिए, गाड़ी वॉश करानी है क्योंकि काफी टाइम से गाड़ी वॉश नहीं। उसके बाद गाड़ी चेक करवानी है, कमानी वगैरह भी चेक करवानी है भाई। तो चलो सबसे पहले पहुंचते हैं नरवाल, नहा धो लेते हैं, उसके बाद गाड़ी भी वॉश करवा लेते हैं, अच्छे से गाड़ी की सफाई वगैरह करवा लेते हैं, कमानी वगैरह करवा लेते हैं भाई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है। और मैं सोच रहा हूँ अपनी लोडिंग करके रखते हैं भाई, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाएगी, आज संडे आज लोड हो जाएगा, रश कम होगा तो कल निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई हालत बहुत बुरी हो चुकी है, ऐसे साफ दिख रहा है कैमरे में, वहाँ बहुत गिली होगी, पेटी उठा उठा के बहुत खस्ता हालत हो गई। अभी राजा भाई पे दवाई लेके देंगे। आ चुके हैं नरवाल में भाई, और यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा रुलाया हमें, जगह जगह पे इसका वाल लीक, बार बार टाइट करना। तो आ चुके अपने भाई के पास, छोटू का भी भेज दिया मैंने एटीएम देके, क्योंकि गाइस आना चाहिए उसको एटीएम से पैसे निकालना वगैरह भी, उसको वहाँ भेज दिया। तो चलो देखते हैं भाई, निकलेगी भैया या काटनी पड़ेगी? काटनी पड़ेगी भाई, ये काटनी पड़ेगी। देख रहे भाई बोल रहे हैं ये निकाल के इसकी ना नल की जहाँ से हवा भरते हैं वो काट के नई वेल्ड करवानी पड़ेगी। देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो गाइस हो चुका है भाई अपना काम कंप्लीट, और यहाँ देख रहे हो ये क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हैं कि जाम तो नहीं हो गया। अच्छा भाई देख रहे हो कपड़ों की हालत क्या कर दी इसमें, ठंडे हो गए सारे कपड़े। और गाइस अपना टायर हो चुका है ठीक भाई, नलकी वगैरह हमने वेल्ड वगैरह करवा ली। अब भाई बार बार फोन कर रहे हैं राजा भाई कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे, तो गाइस जाएंगे तेल लोड कर रहे हैं, और अभी नहाए धोए भी नहीं, और हालत देख रहे हो बालों की। पहले गाड़ी लोड करके आ जाए, फिर नहाए देंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद रात को यहीं रुकेंगे। सुबह हमने एप्पल वाला भाड़ा अभी पकड़ा नहीं, वो पकड़ के फिर यहाँ से निकल जाएंगे भाई। चलो हो जाइए काम कम्प्लीट, यहाँ से निकल। भाई बार बार फ़ोन कर रहे हैं यार कि कम नहीं आए, बात घुमाओ लग जाएगी। क्या हुआ गाइस, फाइनली भाई पहुंच चुके हैं खजवानी, अपने भाई सुबह से वेट कर रहे थे, अब देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि गाइस लेट हो चुके हैं। राकेश भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसी जगह जाएगा माल, माल उसी पार्टी का है ना, फिर एक ही पार्टी का ना। ठीक ठीक, तो वहाँ से गाड़ी लगी कोई? हाँ। याद है, याद है, याद है, याद है।
साथ भाई बैठा बैठना पड़ गया मेरे को पेटी में, पेटी चुरा ना ले जाए कोई, इसलिए दर्द है पूरा शरीर में दर्द है क्योंकि पेटी पर गाता रहा ना, इसलिए यहाँ से डाल रहे भाई पराली। राजा भाई तो वो कर रहे हैं ये पराली बोलते हैं। पहुंच चुके हैं भाई एक फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री वगैरह यहाँ है ही नहीं क्योंकि देख रहे हो सारी फैक्ट्री की जगह खाली कर दी क्योंकि यहाँ नई शायद बना रहे हैं, तो यहाँ घास वास पड़ा हुआ है, ये घास वास डालेंगे गाड़ी में क्योंकि घास डालेंगे तो उसके बाद भाई तेल वगैरह सेट आता है, मतलब देख रहे हो अगर वहाँ कैन वगैरह लगाएंगे ना तेल के उसके नीचे ये चीज़ लगाए फिर खिलता नहीं है भाई, फिर लॉस नहीं होता। वैसे भी तेल लोड करने से ना काफ़ी भाई डर जाते हैं कि भाई अगर कुछ मतलब लीकेज वगैरह होगी तो पैसे कट जाएंगे, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम पक्के ही चलते हैं तेल पे। तो चलो भाई भाई ये डाल दें पराली वगैरह गाड़ी में, उसके बाद देखेंगे लोड करते हैं। भूख लगी है, हमने ना कुछ नहीं खाया, ये बीमार हो गया, रात से जाग रहा था और रात को गाड़ी अनलोड हो रही थी ये पास ही खड़ा रहा, मैं तो सो गया था क्योंकि गाइस मेरी सेहत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो जाएगी आज लोड? ओ तो जाए फिर आपको क्या टेंशन, काम निकल। हाँ वो तो है, घास वगैरह डाल चुके हैं भाई, अब सीधा निकलते हैं लोडिंग के लिए क्योंकि फैक्ट्री पास में, यहाँ देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया सारा, मतलब जो फैक्ट्री पर एरिया यहाँ है बड़ी ब्रह्म। तो चलो भाई आज ये वाला बिल कभी खोल के रखते हैं। तो गाइस आ चुका है अपना टाइम लोडिंग करने का और किसी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया भाई, अब बाहर रुकेगा मैं फैक्ट्री के अंदर अकेला जाऊंगा क्योंकि छोटी बच्ची है, फैक्ट्री है ना अंदर। चलो 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 उतरो उतरो उतरो, चलो भाई इसको बोलते हैं बाय और गाड़ी पार करने से फैक्ट्री के अंदर, वहाँ कैमरा वगैरह हेलो नहीं है, बंद कर बंद करो। चलो भाई फाइनली भाई अपनी एंट्री हो चुकी है अंदर, आई हो चुके गाड़ी लोड। तो भाई बताया हुआ तो कुंभी में नहीं जाने दिए क्योंकि तीन बंदे अलाउड है, तो इसलिए उतार ही दिया था, साथ में एज भी कम थी। तो राजा भाई उधर से मुंह धोने गए, नहीं अभी रसा तरपाल करेंगे अभी, फिर जाला बिछाते हैं। चलो ऊपर चलते हैं, आपको पहले माल बताते हैं कितना लोड किया है, कितना मतलब हाइट है। फाइनली गाड़ी पे आ चुके हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये माल बहुत पसंद है यार। अगर ये फट गया तो पैसे भी कटते हैं, ये भी याद रखना। पिकअप उठाओ जो उतारा है, पिकअप उठाओ, यहाँ पे करते हो ये सेट। तो भाई फाइनल कर रहे हैं राजा भाई, आगे वाला लगा दिया क्या ये? ये जरूरी है भाई क्योंकि मेरे से टाइट नहीं होते इतने, खुल भी जाते हैं। क्यों नहीं होते आपसे, आपसे होता क्या है फिर? हो जाता है मतलब आस्ता क्या, क्या हो जाता है? ना कितने सही लग रही गाड़ी है ना, है ना। तो भाई फाइनली हो चुका है भाई यार रस्सा तरपार, तो भाई देख सकते हैं अभी ये रस्सा तरपार हो चुका है फिनिश। राजा भाई वहाँ पे फैक्ट्री में, तो ये भाई फैन बैठे हुए, तो राजा भाई हाथ मुँह धो रहे, चलते हैं, हमारे भी हाथ बहुत गंदे हो चुके हैं तो चलते हैं जल्दी जल्दी हाथ धोते हैं। तो गाइस फाइनली भाई हो चुका अपना रस्सा तरपार और गाइस आज फालतू की हालत देख रहे हो भाई, बुरी हालत हो गई भाई, क्या ही बेहतर है यार, यहाँ देख रहे हो नाजुक हाथ थे ना खराबी हो गए, और यहाँ देख रहे हो इस बंदे को ना ज्यादा फोन की तरफ फोकस रहता है। तो गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं सीधा भाई, पहुँचते हैं नरवाल में क्योंकि बिल वगैरह मिले नहीं, भाई ने बोला कि भाई साहब बिल आपको कल मिलेंगे और वैसे भी हमने कल किराया वगैरह लेना है तो बिल वगैरह लिए नहीं। तो गाइस चलते सीधा नरवाल में भाई, जो गाड़ी का थोड़ा बहुत काम है वो करवा लेते हैं, गाड़ी आज तो संडे वैसे होगा नहीं लेकिन फिल्टर वगैरह ग्रीस वगैरह वो करवा ही निकलेंगे, तो गाड़ी कहीं पार्क करने उसके बाद थोड़ा काम है, काम वगैरह करेंगे फिर देखने भाई नेक्स्ट प्लान क्या अपना, और उसके बाद ना सुबह जाएंगे बिल वगैरह लेने, ठीक है छोटू, क्योंकि गाड़ी में गंदी वंदी हुई है, बुर्श वर्श मार के सफाई वगैरह करना है गाड़ी के ना, अंदर मट्टी भी बहुत सारी है वो निकालनी है भाई। हाँ खुद की हालत गई तो आप देख रहे हो भाई, ये पेंट ना मुझे कम से कम तीन चार दिन से लगी हुई है भाई, इतना टाइम ही नहीं मिला कि कपड़े चेंज करें ना करें, मतलब कपड़े अपने पास बहुत सारे पड़े हुए लेकिन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। चलो पहले बाहर निकलते हैं, शाम के 6 बज चुके हैं भाई, अभी जम्मू से निकल गए हम कश्मीर के लिए गाइस, बाय बाय। अपने भाई देख रहे हो कहाँ से लाइट दे रहा है, क्या बात है भाई,
अरे भाई जो भाई मतलब काफी भाई मुझे कार से हाई करते हैं, गाड़ी से करते हैं, तो गाड़ी रोक नहीं पाते, क्योंकि गाइस आपको पता अगर जाम में चलेंगे ना तो ब्रेक वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि भाई प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। तो चलो यहाँ से निकलते, आगे रुकते हैं कि तेल वगैरह फुल करवाते हैं, और तेल वगैरह फुल करके फिर रखते हैं अपना पूरा कंटिन्यू सफर। अभी निकले ही थे अपने चैनल भाई आगे, काफी टाइम से देख रहे हो, अपने भाई से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। जनाब 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 सत श्रीकाल वीरे, ऊपर आ जाओ, 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 बारी बंद करो। काफी भाई बोलते हैं ना राजा भाई आप मिलते नहीं हो, बारी बंद कर दो। और सुनाओ, बारी बंद कर, कैसे हो? ठीक हो? सुनाओ, कहाँ हमारे पीछे वैन लेके, भाई देखो बंदा इतना मोटा भी नहीं, देख रहे हो बैठा नहीं जाता, कहाँ लेके जाऊंगा मैं, चले कहाँ लेके जाऊँ, बड़ो हैदराबाद गाड़ी चलते हैं दो वाली में। प्रॉमिस। अपने तारुण भाई मिल गए भाई, कितना टाइम के बाद मिल रहे हैं? 2-2.5-3 महीने बाद। जम्मू में जब भी आता हूँ ना, ये ऐसा बंदा ना, ये हमेशा पूछता है राजा भाई ठीक हो, कहाँ हो, क्या है। मतलब देखो भाई की फैमिली में भी काफी ट्रक्स वाले हैं, तो भाई ये दुख दर्द समझता है हमेशा। तो चलो अपनी दोस्ती हमेशा ऐसी रहेगी, हम हमेशा भाई से मिलता हूँ, मैं तो हमेशा भाई से मिलता ही हूँ, भाई के साथ हम एक ट्रिप भी लगाएंगे। हाँ, एक चीज आप सच बोलना, अभी आपने कितनी काले की? 4 काले, वो भी मैंने रेड लाइट में देखा आपको, रश में मैंने फोन नहीं उठाया भाई। एक मैसेज है, देखो रश में मैं चल रहा था, मतलब ट्रैफिक ज्यादा थी, भाई ने 4 बार फोन किया, दिल से प्यार होना चाहिए, देखो था ना, तभी 5वीं बार भी फोन किया कि राजा भाई साइड लगाओ मैं आ रहा हूँ, तो भाई मिल गए, कोई टेंशन नहीं है, रात अपनी है, रात से आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। चलो भाई ने दे दिया हमको गिफ्ट, क्या दिया? आइसक्रीम है ना राजा भाई? देखा मेरा दोस्त ही इसको बोलते हैं भाई, भाई ने स्पेशल बोला राजा भाई आप आइसक्रीम ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता, भाई का काम अपना आइसक्रीम का। भाई देखो यार इनकी फैमिली में भी ट्रक्स है, इनके घर में भी ट्रक्स है, लेकिन बोलता है राजा ये काम नहीं करना मुझे, मुझे करना है अपना आइसक्रीम वाला काम, 3-4-5 हज़ार बच जाता है, भाई क्या चाहिए। तो गाइस पहुंच चुके हैं बंट टोल पे भाई, और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा ली भाई, नया पंप अपना, देख रहे हो पहले भी यहाँ से तेल वगैरह डाल के गए थे, अभी बादशाह फिर से पार्क कर लिया भाई, और यहाँ देख रहे हो इनकी भी गाड़ियाँ लगी हुई है, इन्हीं की गाड़ियाँ भाई, देख रहे हो यहाँ पे इन्हीं की, मतलब पंप वालों की टैंकर भी हैं और भी बहुत सारी गाड़ियाँ। ये पंप रहा भारत का, भारत का अपना पंप रहा, देख रहे हो एवरेज बहुत अच्छी, 1 नंबर। हाँ जी हाँ, फुल करेंगे ना? ठीक है फुल करो भैया। भाई फुल कर देते हैं, पहले स्वाइप है ना, स्वाइप है ना, कर दो फुल मेरे भाई, क्योंकि अपना पंप है यार, अच्छी एवरेज है इस बार में, पहले भाई डेंसिटी देख रहे हो 818, अच्छा 1 नंबर भाई। तो भाई फाइनली आ चुके थे भाई पीड़े, तो गाड़ी की है भाई पार्क, तो भाई ये जैसे थे छोटा सा मिनी सा मतलब ढाबा ही, जहाँ राजमा चावल जहाँ मिलते, इतने मशहूर है, इतने मत पूछो, पार भी हैं भाई VIP होटल, उधर क्या है, उधर कुछ नहीं है ना, रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये ट्रकों के लिए, वो है मतलब बड़े बंदे के लिए, कार वगैरह उनके लिए। तो गाइस रात के 11:30 बज चुके भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं डिंडोल, खाना वगैरह खाया, साथ में चाय वगैरह पी ली, और भाई ऐसा सीन है चाय पी के ना गाड़ी चलाने का ना कुछ अलग सा ही मूड होता है। देख रहे भाई कट वगैरह मार के ना पास से, देखा भाई गाड़ी वाले ना, उसने टर्न में ही ऐसा कट मारा कि गाड़ी के साथ में आ गई थी। तो गाइस अभी ढलान वगैरह उतर रहे हैं भाई, और देखते हैं भाई जाम कितना है, क्योंकि यहाँ पहुँचना सारा मूड ही खराब हो गया। मैं सोच रहा था लाइफ का ना फर्स्ट डे है कि यहाँ डिगडोल तक कोई गाड़ी वगैरह रुकी नहीं मिली, लेकिन भाई आगे से ना गाड़ियाँ डबल लाइन में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जाम है भाई। तो प्लीज़ बाहर के जो भाई आते हैं ना भाई, देखो यार आराम से उतरा करो, काफ़ी गाड़ी में ना एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, टायर वगैरह गर्म होते हैं, फिर खास करके कंटर वाले भाई ओवरलोड मत डाला करो यार। जो आकर मारते हैं ना भाई, छोड़ यार कल मिलेंगे, वो बात नहीं है, ऐसे कभी किसने देखा, कोई बात नहीं, कल कौन देखेगा, हो ना हो, कभी कल हो या नहीं हो क्या कोई पता नहीं, फैन से मिलना दिल से प्यार है, इंसान नहीं होगा कल, वही बोल रहा समझे, दिल से प्यार रखना चाहिए, बस दिल से प्यार रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पहुँच चुके थे भाई बनिहाल में, यहाँ देख रहे हो भाई गाड़ी भाई की बंद हो गई है, ठीक है, और देख रहे हो हेल्प कर रहा है भाई, इसको बोलते हैं भाई इंसानियत, डाला लगा रहा है क्योंकि भाई की गाड़ी बंद हो गई है, टेंशन ना लो भैया हो जाएगी, मारो मारो हो जाएगी, खींच के चलो चलो चलो, गियर में आराम से हो। यहाँ देख रहे ट्रैफिक वाले भाई भी रात को बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं भाई, क्या करें, चलो जोर से चलो चलो चलो, हमारी गाड़ी का ना काम कर। सो गाइस रात के 2 बज चुके हैं भाई, फाइनली जैकेट वगैरह डाल लिया, क्योंकि गाइस यहाँ ठंड है भाई, इतनी ठंड है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, और आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई, देख रहे हो
मुझे तो छोड़ो भाई, उधर देख रहे हो क्या? उधर देख रहे हो भाई क्या ढूंढ रहे है? तो गाइस ये चेक कर रहे हैं भाई, लाइट बंद करूंगा, ये देख लेना भाई, यहाँ देख रहे हो भाई, दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इतनी धुंध है ना, आज विंटर की पहली धुंध, मतलब सोच लो अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, अभी स्टार्टिंग में इतनी धुंध है, देख रहे हो गाइस, स्टार्टिंग में इतनी धुंध है, मतलब कैमरे में दिख रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा है। गाड़ी देख रहे हो आगे चल रही है, उसके इंडिकेटर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो गाइस पता नहीं क्या होगा क्या नहीं भाई, मैंने पहले ही बोला था अगर दिखाने को कुछ होगा तो हम दिखाएंगे, ये वैसे भी नाइट व्लॉग होने वाला था। आपको मिलेंगे सुबह इसी कंटिन्यू व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे, बाय बाय।